नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि। आज चुनाव धमाका में बात करेंगे फर्स्ट फेज की पोलिंग के ठीक दो दिन पहले पूरे देश में हो गए राममय माहौल की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली बार पूरे देश में राम रहल चलती हुई दिखी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली रामनवमी थी। वैसे तो पूरे देश में रामनवमी मनाई गई, लेकिन अयोध्या में आज इसका अलग रंग दिखाई दिया। पूरे देश के कोने कोने से यहां पे श्रद्धालु आए और यहां जबरदस्त श्रद्धा और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। राम की नगरी में आज रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। दोपहर करीब 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़ी। रामलला के सूर्य तिलक के इस दृश्य को जिसने भी देखा वो भाव विभोर हो गया। आम जन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने इस पल को अपने मन मस्तिष्क में कैद कर लिया। रामलला का सूर्य तिलक देखने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उन भक्तों की कर लेते हैं जो रामनवमी के मौके पे रामलला के दर्शन करने के लिए आज अयोध्या आए थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में करीब 2 करोड़ श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज रामनवमी पर अयोध्या में जबरदस्त भीड़ थी। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे, जगह जगह LED भी लगाई गई थी, जिससे जो श्रद्धालु सूर्यवंशी राजा राम के सूर्य तिलक को गर्भगृह में ना देख सके वो यहाँ देख ले। आज मैंने और मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने, हम दोनों यहाँ अयोध्या में थे, बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की और जाना कि राम नगरी आकर वो जो श्रद्धालु हैं उनके किस तरह के भाव हो रहे हैं जो रामलला के दर्शन करके निकले, उनसे हमारी बात हुई। और क्योंकि चुनाव का मौका है और अयोध्या में अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं, इसलिए उनसे जानने की कोशिश की कि उनके राज्य में क्या चुनावी माहौल है। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाती हूँ जिसमें राम मंदिर की बात करते हुए बहुत सारी महिलाओं के आंखों से आंसू नहीं रुके। जो प्रशासन है उसने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु इस मंदिर में रामलला के दर्शन कर चुके हैं। तो अब आज रामनवमी है इसलिए श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होगी, ये ट्रस्ट को मालूम था, इसलिए ट्रस्ट ने ये स्क्रीन्स लगाई हैं। लोगों से अपील की है कि वो स्क्रीन्स पे देखें, घर पे दूरदर्शन पे सीधा प्रसारण आ रहा है उसमें देखें और यहाँ ना आएँ क्योंकि गर्मी भी है। ये सारी बातों की अपील की गई है, लेकिन अपील का असर बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते ही जा रहे हैं। आप देखिए जो सिलसिला सुबह 4 बजे से यहाँ शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के मन में जबरदस्त आस्था है भगवान राम के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। जहाँ तक नजर जाएगी यहाँ श्रद्धालु ही नजर आ रहे हैं। राम मंदिर जाने वाला ये गेट है और इस गेट से अंदर श्रद्धालुओं के लिए लाइन लगी है राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। जो श्रद्धालु हैं देश के हर कोने से आए हैं और क्योंकि ये लंबा इंतज़ार भक्तों का था, करीब 500 साल के इंतज़ार के बाद रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए हैं और आज जन्म उत्सव है तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आई, तो आज के दिन के लिए खास आई? जी, आज के दिन के लिए खास आई। इतना इंतजार था कि रामनवमी में गर्भगृह पे भगवान राम के दर्शन करें? बहुत ज़्यादा खुशी भी है, इंतजार भी था बहुत ज़्यादा। जब आप मूर्ति के सामने पहुंची तो मन में क्या भाव आया? मेरे मन में तो रोना ही आ गया। बस मैं इतना इमोशनल हो गई कि मेरे आंख से आंसू निकल गया। आज भी वही उस दिन का स्थापना हुआ था वैसे ही लग रहा था मुझे, खुशी। अच्छा, जैसे रामनवमी है तो इस समय लोकसभा चुनाव भी है, तो चुनाव में आपको क्या लगता है? आप दिल्ली से आई है तो दिल्ली में किसकी हवा चल रही है? जिन्होंने मंदिर बना के दिया है उनका ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 100% कोई डाउट नहीं है, सिर्फ मोदी 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 बस। जिन्होंने इतना बड़ा चीज दिया देश को, इतना दिया देश को, देश नाम याद आ गया मोदी जी का ना, राष्ट्र के लिए इतना आगे काम कर रहा है और इतना विकास के कार्य कर रहे, तो उसके अलावा तो अभी इंडिया में तो कोई, अभी आज के दिन में तो कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? जय श्री राम। मैं नई नवोरा पोरबंदर गुजरात से आई हूँ। वैसे तो मैं 7 तारीख से आई हूँ, रामनवमी के लिए आई हूँ और यहाँ के इतना अच्छा लग रहा है। पहले तो मोदी जी और योगी जी दोनों का धन्यवाद, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो ये संभव ही नहीं था हमारे लिए। वही दोनों
एक नंबर पे टॉप पे है वो लोग, और हमें उनको ही चुनना चाहिए। और जिसका हमें 500 साल से इंतजार था, हमारे कितने लोग चले गए, कार से हमें भी आए थे सब लोग, मेरे घर से भी आए थे। तो वो खुशियों में आज मिल रही है कि वो जो उन लोगों ने बलिदान दिया वो आज सफल हुआ, हमारा सपना सफल हुआ। आज हम बहुत गदगदी थे, हम तो दोनों टाइम दर्शन करने आते, जिसकी हमें सालों से इंतजारी थी वो आज हमारा सपना पूरा हुआ। आप दोनों की आंखों में आंसू हैं, आपके भी और आपके। हम शब्द बयां नहीं कर सकते कि हमें कितनी खुशी हो रही है, जो हिंदू लोगों ने जो अपना बलिदान दिया है ये आज सफल हुआ, आज सफल हुआ। वही वही बोल रही हूँ क्या, जो हमारा सपना हुआ था, कितने लोग चले गए हमारे, आज की पेटी जो लोग आएगी वो एक हमारा सपना था कि हम देखेंगे, कभी देखेंगे, वो आज हमने देख लिया। जैसे यहाँ आंसू राम मंदिर के बाहर हम देख रहे हैं, आपकी आंखों से लगातार गिर रहे हैं। जब आप रामलला के सामने पहुंची, मूर्ति के सामने दर्शन के लिए पहुंची, तब क्या हाल आपका हुआ, आपकी भी आंखों में आंसू लगातार? हमारा हाल वहीं पे, सब दिन वही होता, आज बहुत गदगदी हुई थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, खुशी के आंसू, खुशी के आंसू है आज का, खुशी के आंसू है। एक भावुक पल है, एक भावुक पल होता है जब भगवान जी के सामने, जब लोग काफी दिन टेंट में रहे ना, इसलिए तो खुशी के आंसू है। भगवान जी के सामने जाते हैं तो एक हमारे जो श्रद्धा है, इतने सालों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो सामने में प्रकट होती है, तो एक दिल में बहुत बड़ा खुशी होती है। और हमको ये लगता है, पछतावा भी होता है कि भगवान 500 साल तक इतने वो टेंट में इसे गुजारे हैं, तो हम लोग को एक बहुत बड़ी खुशी है, आने का बहुत बड़ी खुशी है कि भगवान से दर्शन होगा, और एक शांत सुकून भी है। और आगे के पीढ़ियों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आगे के पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और देश के निर्माण के लिए तो मोदी साहब जो कर रहे हैं वो तो एक कल्पनीय चीज है ही। उसे आप तो गुजरात से आई हैं, पोरबंदर से, जैसे चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव, क्या माहौल वहाँ गुजरात में? बहुत अच्छा माहौल है, और मैं तो सबको वही बोलूंगी कि कुछ सोच कुछ समझ कर आप मोदी को ही वोट दीजिए, मोदी जी अपने लिए सबसे सही है, वही काम करेंगे। मैं सबके सामने बोल रही हूँ, जो भी मेरा होना दो, मैं सबसे बोल रही हूँ आप वही चुने, उसको ही चुने। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रद्धालुओं के आंखों में आंसू हैं, लेकिन भक्ति भी है यहाँ पर। जो भाव इन महिलाओं के हैं, उसी तरह की भावनाएं हमें हर श्रद्धालु में दिखी। मैं आज सुबह बहुत जल्दी अयोध्या में आ गई थी राम मंदिर के सामने, और हमने देखा कि सुबह 3:30 बजे अयोध्या में राम मंदिर के सामने लंबी लंबी कतार लगी थी। हर भक्त चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी राम मंदिर पहुंचे और भगवान राम के, प्रभु राम के आज के दिन, रामनवमी के दिन दर्शन कर ले। भगवान राम की मूर्ति देख के तो भक्त प्रसन्न हुए ही, साथ में अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ है उसे देख के ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में ही मुमकिन है। जी मेरा नाम, पहले तो आपको राम राम, और मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, मैं धनबाद से आई हूँ, झारखंड से। आज रामनवमी के दिन प्लान बनाया था कि आज दर्शन यहाँ गर्भगृह में? जी जी जी, जब से मतलब राम जी का मंदिर बना है तो सोचे थे कि रामनवमी के दिन अगर मेरा सौभाग्य हो तो मैं यहाँ पे दर्शन करने आऊँ, और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। रामलला को देखा, पीताम्बरी बस? हाँ हाँ, रामलला को देखा, कल भी दर्शन की थी, आज भी किया। तुम्हारा क्या नाम? कुमार तेजस। कौन से क्लास में? मैं 10th का इस बार एग्जाम देकर निकला हूँ। आज जब रामलला के दर्शन किए तो क्या मन में भाव आया? सुना होगा कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, ये सब बातें पहले कभी सोचे नहीं थे कि जब पहला रामनवमी होगा तो ही अयोध्या में आ पाएंगे, लेकिन आज आए तो बहुत खुशी हुआ। अंदर जाके राम भगवान को देखे तो लगा कि असली दिल से भगवान से मिल रहे हैं, और ये अनुभव पूरी जिंदगी भर हमें याद रहेगा कि एक बहुत बड़ा टाइम था हमारे लिए जब हम लोगों ने देखा इसे। हमारा क्या नाम है? प्रिया शर्मा। अच्छा, जब गई तुमने पढ़ा होगा बहुत कि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, यहाँ जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है कि जहाँ गर्भगृह है वहीं भगवान राम पैदा हुए थे, तो वहाँ भगवान राम की मूर्ति के सामने जब गई तो सब बातें याद आई। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हमारे सामने, मतलब मूर्ति को देख के था कि उसमें जान आया हुआ है भगवान श्री राम का। तो जो सुना था कि सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, तो बस वही एक बार कोशिश की है, देखते क्या होता है। आपका नाम क्या? राम उदय शर्मा, झारखंड धनबाद से।
पहली बार अयोध्या आई या पहले? बिल्कुल पहली बार है। रामनवमी के दिन गर्भगृह में बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से दर्शन हो गया अपना, सब कुछ ठीक रहा। और नरेंद्र मोदी जी के जो अपने प्रधानमंत्री, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सनातनियों के लिए इतना अच्छा काम किए हैं, जो कि असंभव था। हम लोगों को कभी लगता नहीं था कि मंदिर बन पाएगा। अयोध्या में आज मुझे प्रभु राम के ऐसे बहुत सारे भक्त मिले जो यहाँ भगवान राम के दर्शन के साथ साथ सेवा करने भी आए थे। राजस्थान के नाथद्वारा से बहुत सारे भक्त आए जो करीब 125,000 किलो लड्डू लेकर आए थे। उन्होंने पहले मंदिर में दर्शन किए, भोग लगाया और फिर पूरी अयोध्या में दूर दूर से श्रद्धालुओं को आए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। आप कहाँ से आए हैं? हम सिनाकी नागद्वारा से आए, राजस्थान उदयपुर के पास में सिनाकी नागद्वारा। दर्शन हो गए? दर्शन आराम से होया, बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। रामनवमी के दिन आपने, आपकी कोशिश थी कि आज के दिन आप अयोध्या में? हम यहाँ सिनाकी नगरी से 125,000 मकड़ी का भोग लेकर यहाँ बिक्री करने आए हैं, प्रसाद बिक्री करने आए यहाँ पर सिनाकी प्रभु का, श्री राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में। रामनवमी सिनाकी से नाथद्वारा उदयपुर राजस्थान से प्रभु श्री राम लला के लिए हम लोग सिनाकी नाथद्वारा से 125,000 ठोर यानी कि मछली लड्डू प्रभु श्री राम लला को भोग लगाने के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। सवेरे उनका भोग लगाया है, अभी हम लोग यहाँ पे प्रसाद वितरण का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हम वहाँ से 14 तारीख को निकले हैं और हर जगह पे जितने भी तीर्थ रास्ते में आए हैं, मथुरा, जतिपुरा, लखनऊ, हर स्थानों पे हम लोग प्रसाद बांटते हुए आए हैं। और यहाँ पे सबसे सुंदर व्यवस्था हमको यहाँ पे मिली है और योगी जी और मोदी जी के राज में अलौकिक आनंद यहाँ पे हो रहा है। जय सियाराम। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव भी है तो राजस्थान से आप आए हैं, वहाँ क्या माहौल देख रहे हैं? वहाँ पे भी मोदी की लहर तो सब जगह पे ही है, लेकिन राजस्थान का पलटवार कभी भी कुछ भी होता है, लेकिन वहाँ पे भजन लाल जी जो अभी मुख्यमंत्री जो है वो सभी सबसे सुंदर, उन्होंने बहुत कुछ अभी यहाँ पे किया है और बहुत कुछ डेवलपमेंट होने वाला है। और इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे वहाँ पे बीजेपी भी आनी ही चाहिए। आप लोग सब राजस्थान से हैं, राजस्थान से आज रामनवमी मनाने आए हो? जी जी जी, हम सिनाजी मंदिर से आए हैं, उदयपुर के पास जो सिनाजी का पूर्व प्राचीन मंदिर है वहाँ से 125,000 मछली का भोग लेकर आए हम, प्रसाद मछली का, जो यहाँ पे आज रामनवमी के अवसर पर हम यहाँ पे सब भक्तों को वितरित किया जाएगा। ये हमारे महाराज श्री विशाल बाबा तिलकाश्री है, उनके अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे को इतनी प्रेरणा मिली और इतना आनंद आया, इतना गौरवान्वित महसूस होता है सर, रोम रोम में सर, राम जी विराजे हमारे, जो 500 साल की जो पीढ़ी ने जो आनंद नहीं लिया, ठाकुर जी ने हमको आनंद दिलवाया। प्रसाद वितरण के दर्शन भी किए? बिल्कुल अलौकिक दर्शन किए मैडम, जो सूर्य दर्शन हुआ वो एकदम उसकी कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सूर्य अभिषेक हाँ, तो भगवान का सूर्य तिलक हुआ, सूर्य अभिषेक हुआ फिक्स 12 बजे हुआ बहन। उससे पहले पंचामृत के हम जब अंदर पहुंचे तो पंचामृत हो रहा था, उसके बाद क्षणिक समय बाद सूर्य तिलक चालू हुआ, तब हमको ऐसा लगा कि हमको ये अनुभूति आपको कैसे शेयर करे, ऐसी अनुभूति हुई जैसे गूंगे को गुड़ खिला दिया हो। अब उसे पूछा इसका स्वाद कैसा है, इतना मन अंदर से प्रसन्नित है कि जो हमको जिस कार्य के लिए हमारे तिलकाश्री और उनके मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह को अमेरिका से आई एक महिला मिली। उनका कहना था कि वो पहली बार अयोध्या आई हैं और अयोध्या आने के बाद अब उनका मन कर रहा है कि वो वापस अमेरिका से भारत आ जाएं। यूएसए से भी कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि इंडिया आए हुए हैं अपने रामलला के दर्शन करने के लिए। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा पात्रा है, मैं सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया से आई हूँ। इंडिया में आप कहाँ के रहने वाली हैं? इंडिया में मैं फैमिली को मिलने के लिए उड़ीसा में आई थी, पूरी जगन्नाथ और मेरे फैमिली, मैं बाणपुर से हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज इतने इससे पहले कभी आप अयोध्या आई थी? नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैं ये 6 साल के बाद इंडिया आई हूँ, तो आज रामनवमी के दिन राम जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर से जगह है और सब कुछ अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हूँ इंडिया के बारे में। अमेरिका में लोग रहने वाले इंडियंस, उनको क्या लगता है, मोदी सरकार आनी चाहिए या कुछ चेंज होना चाहिए? पक्का आनी चाहिए, ये तो हमारा बहुत ही, मतलब हम सब इंडियंस वहाँ पे मोदी जी के बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, तो हम सब चाहते हैं कि मोदी जी हमेशा यहाँ पे रहे और उनके वजह से हमें और इंडिया आने का मौका मिल रहा है।